कारोबार में लोग क्या गलतियां कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि कारोबार का तजर्बा नहीं रखते और वो मार खा जाते हैं। ये है मेरा मौजू, मैं हूँ इंतखाब आलम सूरी, और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी मालूमात हमारे चैनल में मिलती रहा करे, तो मैं आज बता रहा था कि बिज़नेस की हिकमतें क्या होती हैं, कारोबार की हिकमतें क्या होती हैं, लोग क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं कारोबार में जिसकी वजह से मार खाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आपको तजर्बा ना हो ना, तो आप छोटा काम करें, आप एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, बड़ा पैसा ना लगाएं, एकदम चीज़ें ना ख़रीद डालें। आप पहले अपने हम और आप वो होते हैं अक्सर जो कि एक छोटे से घोंसला होता है, घोंसला बनाते हैं, घोंसले से आगे उस घोंसले को बड़ा करते चले जाते हैं। आप जिनको तजर्बा नहीं है, मैं एडवाइस ये करता हूँ कि पहले वो एक पार्ट टाइम काम करें, या ये कि छोटा सा कोई तजर्बा करके देखें साइड में, यानी नौकरी अपनी करती रहें, अपनी जॉब करती रहें, जॉब के दौरान जो है ना वो अपनी कोई साइड में कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें और उससे सीखते रहें। उस साइड में बिज़नेस से आपको सीखने का मौका मिलेगा, और जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बिज़नेस की हिकमतें पढ़ता चलती रहेंगी। आप ये बात याद रखें कि सालों लग जाते हैं बिज़नेस में तजर्बा हासिल करने के लिए। आप कभी किसी को 30-35 साल के तजर्बे वाले शख्स से पूछें कि अभी तुम क्या सीख रहे हो, क्या कहा अभी भी सीख रहा हूँ, तो कहते हैं ना कि कब्र के तक इंसान सीखता है, पहुँचने तक हर आने वाला दिन नया उसके अंदर एक शऊर पैदा करता है, एक सोच पैदा करता है। अच्छा, तो अब यह है कि उसमें यह कि कभी भी कोई कारोबार में तजर्बा ना हो तो छोटे पैमाने पे शुरू करें। एक उसूल है POLC बिज़नेस का ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, POLC तो बाद में बताऊंगा। एक उसूल है प्लान डू चेक एक्ट, PDOC, यानी पहले प्लान करो, फिर डू करो, फिर चेक करो उसको कि कैसा हुआ, फिर उस पर अमल करो। तो हमेशा बिज़नेस करने वालों को मैं हिदायत देता हूँ, मतलब एक मशवरा देता हूँ कि वो पहले अपने चीज़ों को छोटे पैमाने पे करके देखें, उससे कामयाबी होगी। तो मिसाल के तौर पे आपने किसी ने चाहा कि वो एक स्कूल खोले बड़ा सा ना, तो स्कूल खोलने के लिए पहले एक छोटा सा स्कूल खोल के देखे मॉन्टेसरी में, या कहीं पार्टनरशिप कर ले, या कुछ और सिलसिला कर ले, ट्यूशन सेंटर खोल ले घर पे, उससे वो उसको पज़ीराई मिलेगी, तजर्बा मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब किसी ने जो है ना लाइव स्टॉक का काम करना है, तो लाइव स्टॉक में उसने जो है ना ऐसे नहीं कि उसने मालूम चला के 25 भैंसे डाल दी, 50 भैंसे एकदम से डाल दी, या 50-100 जानवर लेके डाल दिए और जो है बछड़ों का काम शुरू कर दिया, कुर्बानी काम शुरू कर दिया। नहीं, पहले छोटे पैमाने पे देखें, पहले इन्वेस्टमेंट करें, बकरी का कर काम करना है तो आप पहले 10-12-15 जानवरों से शुरू करें, डाल के देखें, करें, ख़रीदें, उठाएं, बेचें। आपको 1-2 साल इस तरह काम करना पड़ेगा कि पहले साल में आप 10 जानवरों का काम करें सेल परचेज़ का, फिर 20-50 का करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ना तो बढ़ें। तो एकदम जो है ना एकदम से बड़े आपने मालूम चला 50-100-200 जानवर खरीद लिए बकरीद में और बेचने के लिए आपने तैयारी कर ली। तो छोटे पैमाने पे इंसान को सीखने का मौका मिलता है और कारोबार को समझने का मौका मिलता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि लोग प्लानिंग नहीं करते कारोबार की और बग़ैर प्लानिंग के बिज़नेस शुरू कर देते हैं। अगर एक दुकान भी खुलती है तो उसमें भी होता ही है कि वो पहले उस दुकान को चलाने के लिए उससे प्रॉफिट नहीं आता। तो हमेशा जब भी कोई दुकान भी खोलता है तो अपना 6 महीने का, साल का तो आमदनी का जरिया घर के चलाने का अलग रखे पैसा। इस दुकान से अगर वो अपने निकाल के खाएगा तो अपने ही ज़खीरे से खा रहा होगा। लिहाजा दुकान चलाने वालों को भी चाहिए कि किसी भी कारोबार को करने वालों को चाहिए कि अपने घर के अखराजात को अलग कर ले, एक साल का इंतज़ाम रखे अलग से। तो अगर वो सोचेगा कि मैं अपने कारोबार से निकाल के खाने लगूँगा तो वो अपने कारोबार से को नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए कि फिर उसका कैश फ्लो टूटने लगता है, फिर वो मसाइल का शिकार हो जाता है। तो हमेशा जो है वो आप जब भी बिज़नेस करें तो पहले ये कि आप उसकी प्लानिंग करें, और प्लानिंग में सबसे अहम बात यह है कि आपके पास फ़ंड्स कितना है। फ़ंड्स का इंतज़ाम पहले होना चाहिए। देखिए, जहाँ पैसा ज़्यादा होता है तो वहाँ मेहनत कम होती है, जहाँ पैसा कम होता है वहाँ मेहनत बढ़ जाती है। तो ये उसूल हमेशा सहन में रखें कि आपको फिर यह कि उसी तरह उसको प्लान करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम ये है कि प्लानिंग में आप प्लानिंग के अलावा जो गलतियां कर रहे होते हैं वो
सर्वे नहीं करते, बग़ैर सर्वे के जो है वो बिज़नेस शुरू कर देते हैं, बग़ैर मालूमात के बिज़नेस शुरू कर देते हैं, उसके हम फिजिबिलिटी नहीं निकालते कि उस बिज़नेस में हम इतना पैसा लगाएंगे और इतना पैसा आएगा, तो ये भी एक गलती कर रहे होते हैं। अच्छा, अहम बात यह है कि एक मशवरा आपको दूँ मैं, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो पार्टनरशिप करनी पड़ती है। अच्छा, पार्टनरशिप जो है ना वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन पार्टनरशिप के उसूलों के मुताबिक चला करें। लोग जो पार्टनरशिप कर रहे होते हैं उसमें गलतियां कर रहे होते हैं, वो ये कि हम पल्ला पार्टनरशिप नहीं होती। जब भी पार्टनरशिप हो ना तो हम पल्ला पार्टनरशिप हो, कि मिसाल के तौर पे आपके अगर आपके पास पैसा, यानी दो पार्टनर्स ने बिज़नेस शुरू किया, एक के पास पैसा है, दूसरे के पास अकल समझ और इल्म है, तो ये पार्टनरशिप चलती है। जहाँ मतलब ये है कि हर चीज़ के वो अहमियत होती है, यानी ये कि किसी के अगर पैसा उसने ज़्यादा लगाया और काम भी वो कर रहा है, ठीक है जी, मेहनत भी कर रहा है, दूसरा पार्टनर जो है ना पैसा नहीं लगाया है, उतनी मेहनत कर रहा है, उतनी सलाहियत रखता है, तो फिर ये पार्टनरशिप नहीं चलेगी। भाई, पार्टनरशिप नाम है उन पॉइंट्स का जो कि देखे जाते हैं, कि मतलब ये कि कितने किसके पॉइंट्स है। अब पैसे के अलग पॉइंट रखें, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक बिज़नेस में 100% जो है ना किसी ने इन्वेस्टमेंट की, तो 50% का पार्टनर उस वक्त होगा जबकि दूसरा जो है वो 100% मेहनत कर रहा है, तवज्जो दे रहा है, वो सारे जिम्मेदारी ले रहा है, अपने स्किल रखता है, सब चीज़ें रखता है। और अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका रेशियो कम हो जाएगा वर्किंग पार्टनर का, वो 10% भी इसके लिए बहुत होगा। बाद दफ़ा किसी ने अगर 90 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, तो वो हो सकता है कि किसी ऐसे पार्टनर को रख ले जो कि 10% 20% पे काम कर ले, जाहिर है उसका प्रॉफिट भी अच्छा होगा 10% 20% वाले के लिए जिसने पैसा ना लगाया हो। तो हमेशा रखें हम पल्ला जो है पार्टनर होने चाहिए। हमारे यहाँ गलती ये हो रही होती है कि हम पल्ला इन्वेस्टमेंट नहीं, यानी ये देखते हुए कि कौन पैसा लगा रहा है उसका शेयर क्या होगा, वर्किंग कर रहा है उसका शेयर क्या होना चाहिए। अगर कोई पैसा भी लगा रहा है वर्किंग भी कर रहा है तो उसके पॉइंट ज़्यादा होंगे, यानी पैसे के लगाने के भी पॉइंट और पॉइंट्स वर्किंग करने के भी पॉइंट। तो ये होता है हम पल्ला। अच्छा, फिर ये होता है कि मिजाज की बड़ी अहमियत होती है कारोबार में, पार्टनरशिप में। तो कारोबार को कारोबार की तरह ट्रीट करें, ये नहीं कि किसी की मोहब्बत में आपने किसी को ज़्यादा शेयर दे दिया या ज़्यादा शेयर ले लिया किसी दोस्ती मोहब्बत में, वो फिर चलती नहीं है कहानी, तो आगे इंसान के ताल्लुकात बिगड़ भी जाते हैं। तो इस लिहाज से हमेशा जहन में रखें कि वो जो है पार्टनरशिप में। अच्छा, पार्टनरशिप की मिसाल ऐसी है कि जैसे अंधे ने लंगड़े के ऊपर सफ़र किया, एक तूफ़ान आया किसी गांव में और उस एक सब भाग गए निकल गए गांव से, लेकिन उस तूफ़ान में एक अंधा एक लंगड़ा रह गया। अंधे के पास आँखी नहीं थी, टंगे लंगड़े के पास टाँगी नहीं थी, तो लंगड़े ने कहा कि आप ऐसा करते कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाता हूँ, तुम्हारे पास आँखें नहीं है, मेरे पास आँखें और तुम्हारे पास टांगे नहीं, मेरे पास टांगे नहीं तुम्हारे पास टांगे, दोनों निकल गए, दोनों होश बच गए। तो यही इंसान की कहानी है कि हर कोई पैसा लगा नहीं सकता, अल्लाह का निज़ाम है, एवरीबडी कैन नॉट इन्वेस्ट, एवरीबडी कैन नॉट वर्क। तो इस उसूल पर ही चलता है कारोबार कि पैसा जो है सब नहीं लगाते। किसी के पास जिसको पैसा होता है वो काम नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं उसका, पैसा बहुत है, और जिसके पास पैसा नहीं होता वो मेहनत करनी पड़ती, काम करता है वो, तो ये एक निज़ाम है। तो यही है अंधे और लंगड़े की कहानी में से मैं कहता हूँ। फिर पार्टनरशिप में एक दो बातें बड़ी अहम है कि लचक होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ लचक दिखानी चाहिए, राय की कुर्बानी होनी चाहिए, मिजाज के अंदर कुर्बानी होनी चाहिए, एक दूसरे की कहना मानना चाहिए, एक दूसरे की बात को ओन करना चाहिए, नाक का मसला नहीं बनाना चाहिए, इज़्ज़त का मसला नहीं बनाना चाहिए। और ये मसला नहीं कि यार इस सीट पर तो मैं ही बैठूँगा, तुम नहीं बैठोगे, तुम बैठोगे मैं नहीं बैठूँगा, ये सब छोटी बातें हैं। बड़े कॉज के लिए काम करें, बड़ी सोच के लिए काम करें और बड़े मकासद के लिए काम करें। ये सोचें कि इसका जब प्रॉफिट इंशाल्लाह आएगा तो कितना अच्छा होगा, सब उसमें फले फूलेंगे। तो आज की वीडियो में यहाँ तक मैं रखता हूँ इंशाल्लाह ताला, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा कि आपको मज़ीद कारोबार में क्या हिकमत होती है, जिसको अख्तियार करना चाहिए और जिससे नुकसान नहीं होते। इजाज़त दी इंतखाब सूरी को, अल्लाह हाफिज़।